विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश में चुनावी शोर बढ़ गया है। कुरुक्षेत्र के पिपली में बीजेपी ने राज्य स्तरीय दलित सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, सांसद नवीन जिंदल और राज्यसभा सांसद दुष्यंत चौटाला के साथ ही प्रदेश भर से आए वरिष्ठ दलित चिंतक और नेता मौजूद रहे। इस समारोह में महिलाओं ने लोटा जल हाथ में लेकर मनोहर लाल के साथ संकल्प लिया कि दलित वर्ग बीजेपी के साथ है। बीजेपी के शासनकाल में दलितों को दबंगई से मुक्ति मिली है, साथ ही उनका सम्मान से जीवन जीने का सपना भी साकार हुआ है। ये बातें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कही। आपको बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। दलित सम्मेलन के जरिए बीजेपी की कोशिश राज्य के 21% दलित मतदाताओं तक पहुंचने की है। हमने कहा ये जो दबंगई व्यक्ति के लोग हैं, ये जो धिंगामस्ती करते हैं, जो बिल्कुल भी निर्बल को लाइन में लगने नहीं देते हैं, सब चीज उनकी हड़पने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को घर बैठे कैसे हम सुविधा पहुंचा सकते हैं। हमने परिवार पहचान पत्र बनाया। मित्र, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आज हरियाणा में हर परिवार का डाटा हमारे पास है। कौन व्यक्ति पीड़ित है, किसकी जरूरत क्या है, परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितनों की पढ़ाई क्या हुई है, वो व्यवसाय क्या करते हैं, और जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से उसको, चाहे राशन कार्ड की बात है, चाहे आयुष्मान भारत की बात है, चाहे उसको ओल्ड एज पेंशन की बात है, चाहे घर में चूल्हा देने की बात है, मकान देने की बात है, कितनी योजनाएं मोदी जी ने शुरू की, हमने घर बैठे उनको पहुंचाई हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं उसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर कोई है तो मेरा यह अनुसूचित समाज है, पिछड़ा वर्ग समाज है, इनको सबसे ज्यादा लाभ मिला। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संविधान में सबको बराबरी का हक मिले, ये सब सुनिश्चित किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। कांग्रेस के लोगों ने 55-60 साल राज किया है और आज भी दलितों के प्रति भेदभाव बनाए हुए हैं। हमारे साथी कांग्रेस के मित्र इसमें भी रोड़ा बन के अड़के खड़े हो गए। उन्होंने भर्ती रोको गैंग खड़ा कर दिया कि यूं अगर चलता रहा तो फिर जो दूसरे दूसरे लोग बच्चे उनके नौकरी लगते रहेंगे, हमारे नेताओं के बच्चे, हमारे अधिकारियों के बच्चे, आप उस समय से पहले नौकरी उठा के देख लो, चाहे HCS की हो, चाहे क्लास 1 के अन्य अधिकारियों की हो, क्लास 2 की हो, इन नेताओं के और उनके कर्मचारियों के अधिकारियों के बच्चे, लाइन लगी पड़ी है उनके बच्चों की जो नौकरियां लगे हैं। क्या सबसे मेरिट पर वो थे और आ नहीं सकते क्या? मेरिट पर सब घरों से है। हमने जब HCS का पहली बार परिणाम निकाला, एक रिक्शा पुलर का बच्चा HCS बन के आ गया, एक खेत में मजदूरी करने वाला का बच्चा वो पटवारी बन के आ गया, वो तहसीलदार बन के आ गया, जिनको उम्मीद ही नहीं होती है। मित्रों, एक मेरिट पर अगर हमने किया है तो इसमें सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित हुआ है तो ये हमारा गरीब समाज का परिवार हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर एक व्यवस्था की कि हर किसी को वोट का अधिकार ये होगा, लेकिन हमारे कांग्रेस के भाई हमेशा जो ऐसे जो इनके प्रभाव वाले जितने बूथ होते थे, बूथ कैप्चरिंग का सिलसिला ये करते थे। हमारे गरीब वंचित समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग जब बूथ पर पहुंचते थे, पहले तो कहते थे शाम को आना, शाम को पहुंचते थे तो कहते तुम्हारा तो वोट डल गया, जल गया, जाओ जाओ जाओ। बहरहाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एक एक सीट और एक एक वोट के लिए हर संभव प्रयास में लगी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के इस संग्राम में कौन किस पर भारी पड़ता है। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।